अब कुछ बच्चों को टाइम भी नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि सर तीन सब्जेक्ट एक दिन में हमसे हो ही नहीं पा रहे। अब आप देखो क्या डिमांड कर रहे हो, अगर नहीं हो पा रहे तो ये बताओ मत, ये करो। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, ठीक है, कि आप लोग, ठीक है, आप लोग एक बार अपने अंदर भी झांकिएगा, ठीक है। और आपके सजेशन मैंने हमेशा बोला है, मैं इतने साल से ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं, मैंने हमेशा सजेशंस लेके इंप्रूव किया है, मैं अभी भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब आप सजेशन दे रहे हैं तो प्लीज आप अपने लिए फायदे, अपने फायदे के लिए सजेशन मुझे दीजिए, ठीक है। जो बच्चे ये बोल रहे हैं ना कि सर आप बहुत स्लो करके पढ़ाइए, हमें बेसिक्स भी नहीं आते हैं, बेटा वो आपके फायदे की बात नहीं है। तो अब आप मेरे को ये बोलेंगे सर आप मेरी बात सुन नहीं रहे, तो बेटा आप ये कर रहे हो कि आप जबरदस्ती मेरे से अपने लिए गलत करवाना चाहते हो। तो एटलीस्ट एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो मैं आपसे मांग रहा हूं कि भाई देखो कुछ मिनिमम स्पीड है जो हमें मेंटेन करनी है, ठीक है। लेक्चर प्लानर के हिसाब से हम दो लेक्चर अभी पीछे चल रहे हैं, ठीक है। और ठीक है वो बाद में आप बोलोगे तो हम कवर भी करेंगे, और वो हो भी जाता है, हर बार होता है, 5-6 लेक्चर तक का डिले चलता है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं क्योंकि जेईई मेंस की अगर फर्स्ट वीक ऑफ जैन में डेट आ गई 10 जनवरी को हमारा डेडलाइन है सिलेबस कंप्लीशन का, क्योंकि इस बार हम क्या मान रहे हैं 15 के आसपास का टेस्ट होगा जेईई मेंस का। अगर फर्स्ट वीक में आ गया तो क्या आप क्या करोगे, आप सोचो। क्या हमें अपने रूटीन को मेंटेन रखना चाहिए? अब कुछ बच्चों को टाइम भी नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि सर तीन सब्जेक्ट एक दिन में हमसे हो ही नहीं पा रहे। अब आप देखो क्या डिमांड कर रहे हो, अगर नहीं हो पा रहे तो ये बताओ मत, ये करो, सॉल्व करो उसको, ठीक है। ये बताओ मत कि सर मेरे से तो हो ही नहीं पा रहे हैं, जब स्कूल था तब भी नहीं हो पा रहे थे, और जब आज आपके पास स्कूल नहीं है, अब आपके पास सिर्फ तीन लेक्चर्स हैं, दो दो घंटे या ढाई घंटे भी मान लो, आपके पास रेस्ट ऑफ द टाइम है, अगर आपके अंदर जुनून है ना बेटा तो आप अपने आप टाइम निकाल लोगे, आपको कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बात यह है कि आप अपने से खुद से क्या चाहते हैं, ठीक है, डिसाइड करिए उस चीज को, ओके, डिसाइड करिए बेटा। आप ही के साथ के कई सारे बच्चे इस चीज को मैनेज करते हुए चल भी रहे और वो पॉजिटिव एटीट्यूड रख के पढ़ेंगे तो उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर मेंटल प्रेशर दे रहे हैं कि मेरे को सारे क्वेश्चन करने हैं या सारी चीजें करनी है, डेफिनेटली वो टूटेगा आगे जाके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ ना कुछ चीजें तो छूटेंगी। तो आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि यस कुछ चीजें छूट रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चीजें पकड़ में आ रही हैं वो अच्छे से आ रही हैं। क्लियर है क्या?